GST Hero के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे GSTR-1 सप्लाईज एंड अमेंडमेंट रिपोर्ट, जिसका आपको यूज हो सकता है GSTR-9 में। तो रिपोर्ट्स के सेक्शन में आपको ऑप्शन दिया है GSTR-1 सप्लाईज एंड अमेंडमेंट रिपोर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर लिया है मैंने यहाँ पे 2018-19। देन जनरेट एक्सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2018-19, स्टेटस शो करेगा इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये स्टेटस आपका कंप्लीट शो करेगा। देन आप एक्सेल का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद आपको वो फाइल ओपन करना है। ओपन बटन पे क्लिक करके हम फाइल को ओपन करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफिक फोल्डर एंड ओके। अभी आपका फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है तो हम उस फाइल को ओपन करेंगे। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन शो करेगा सप्लाईज एंड अमेंडमेंट रिपोर्ट की, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन है। शीट वाइज पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, GST नंबर, कंपनी नेम एंड फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर का आपने ये रिपोर्ट डाउनलोड किया है। ओरिजिनल डिटेल्स दिखेंगे, रिवाइज डिटेल्स और उसका डिफरेंस। ये होने के बाद यहाँ पे शीट वाइज भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, B2B शीट, B2CLA, CDNRA, देन B2B शीट और B2CL शीट। तो अगर आपको शीट वाइज इंफॉर्मेशन देखना है तो आप शीट वाइज भी देख सकते हो। B2BA के शीट में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट रिपोर्ट है इसमें B2B का शीट, तो आप शीट वाइज पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो इस आसान तरीके से आप ऐसे रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।